वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दे दीवान विच संगतां दे सहयोग नाल प्रबंधकां दे सहयोग नाल जो असीं कथा पेश करनी है सारियां संगतां ने ध्यान ते गौर दे नाल सुननी है। पहला वीरां तों एक एक शेर सुनो उस तों बाद कथा आरंभ होवेगी। ऐ सरवण करो सारे जाप तों गुरु दी याद वड्डी दया वड्डी है पर उपकार नालों भामे कितने वेद पुराण पढ़िए अमल बड़ा है सोच विचार नालों विचे आ गए ने सतकार सारे बचन मनना बड़ा सतकार नालों इस तो होर नहीं आनंद दरबार सिंगा इंतजार में आनंद दीदार नालों इंतजार में आनंद दीदार नालों साधु बर्म चो बर्म दी जोत आउंदे साधु बर्म चो बर्म दी जोत आउंदे ते अंत बर्म दे विच समा जांदे साधु नाम दे के तारन पापियां नूं ते बण खंड नूं सुरग बना जांदे जेकर साधु ना आउंदे जहान उत्ते इत्थे जमी असमान टकरा जांदे साधु सामा ही रूप परमात्मा दा अपदी आई ते जग बदला जांदे अपदी आई ते जग बदला जांदे हायर नायर गुरु दी गोच जग मान रही गुर संगत बड़ियां भागां वालियां सिख संगत है जो महापुरशां दे सलाना जोड़ मेले दे एकत्र हो के अपना जीवन सफला कर रहे हो सारियां सिख संगतां बधाई दे पात्र हो। आओ अज दे दीवान दे विच जो आपां इतिहास कहना है वह इतिहास किस महापुरश का है वह इतिहास केड़े पूर्ण जति का है वह इतिहास केड़े साधु का है। आओ तुहाडे चरणां दे विच पेश करिए महापुरशां दी गाथा संत संतोख दास जी महाराज जिन्हां ने इस धरती दे उत्ते रह के अपना शरीर त्यागिया उन्हां दी जीवन लीला तुहाडे चरणां दे विच पेश करदे आं। आओ ध्यान नाल सुनो संतोख दास जी दे पिता बिशन सिंह जी ते माता हरकौर ते एक नाम दे रसिए जिन्हां ने भगवान अगे बेनतियां अर्जा करियां हे भगवान सानू भी कदे पुत्रां दी दात प्राप्त होवे ता जो असी अपने बाल बच्चे परिवार दे विच खुश रह के जिंदगी बतीत कर सकीए। उन्हां दीआं होईआं बेनतियां प्रवान उन्हां दे घरे अठ पुत्रां ने ते एक लड़की ने जन्म लिया वह अठ पुत्रां दे विचों छेआं तों छोटा संतोख दास जिहड़े के बचपन तों ही लगन वाले सन जदों उन्हां दा जन्म होया उस वेले संगतां नूं बड़ी खुशी होई ते दुनिया दे लोक बधाईआं दिंदे आ पिता बिशन सिंह नूं ते बधाईआं मंगदे आ प्रवान करदे आ जो उन्हां दा जीवन शुरू हुंदा उह समें दीआं लाइनां मेरे साथी कविता राहीं ए इउं कह रहे उतरी सी जोत एक पिंड चनवाणे बिच उतरी सी जोत एक पिंड चनवाणे बिच माता हर कौर जी दे गोद दा शिंगार जी ओ पिता जी बिशन सिंह वंड दा वधाइयां फिरे पिता जी बिशन सिंह वंड दा वधाइयां फिरे घर विच आ गई जदों सजरी सवेर जी ओ कई जन्मां दी पहला भगती जरूर हो कई जन्मां दी पहला भगती जरूर हो एक प्यारी भैण अठा पाइया दी सिदार जी ओ छोटी ही उमर बिच हो गया वैराग पैदा छोटी ही उमर बिच हो गया वैराग पैदा रामदास संत जी ने गुरु ले तार जी ओ विद्या पढ़ाई उन्ना गुरु ग्रंथ साहेब जी दी हो गए सन तो खदास मंजला तो पार जी ओ
ब्रह्म दास गुरु कहंदे मार जा ओडारी बेटा। ब्रह्म दास गुरु कहंदे मार जा ओडारी बेटा, जंगलां च जाके किते पाले ओंकार जी। ओ बाने के फकीर जेना पाया परमात्मा नो, बाने के फकीर जेना पाया परमात्मा नो, फकरां दा पेस सानो पाऊ फटकार जी। ओ कविता लिखूगा सुख राज ते बराड़ तेरी, कविता लिखूगा सुख राज ते बराड़ तेरी, शहर घर बार तेरा करूं प्रचार जी। धर्मदास गुरु दे कोले जाके जाना शुरू कर दिता। आखिरकार लगन लगी हुई बिती अकाल पुरख दे नाल जुड़ी हुई मुढ़ दे चली सुट्टी हौली हौली विराग दे विच आके महापुरशां दी संगत करनी शुरू कर दिती। संगत करदियां करदियां बहुत समा लंघ गया, काफी उम्र हो चुकी है, ते फिर महापुरशां ने कहा संतोख दास जाके दुनिया दा भला कर। कहन लगा महाराज भला किवें होवेगा, कहंदे भला इस तरह नहीं हो सकदा, भला होवेगा जदों कुछ पल्ले होवेगा, दत्त दे मंगता आवे, जे घरे खाण नूं आपदे कुछ नहीं तां उस दे पल्ले की पावेगा, पहला झोली भरनी पवेगी ते फिर झोली भरन तों बाद लोकां विच वंडिया करेगा। ते कहन लगा महाराज ओ झोली किवें भरेगी, कहंदे इत्थों दूर चले जाओ, दूर जाके कोई एकांत जगह लभो, एकांत जगह लब के लंबा समा भक्ति करो, भक्ति करन दे नाल नाल जदों तुहाडी झोली भर जावेगी फिर तुसीं दुनिया दे नगरां दे विच फिर के दुखियां दे दुख निवारने ते उहनां दीआं झोलियां भर भर के तोरी जाणा, तुहाडा कम हो जावेगा। पर इक गल साधू बाणे नूं लाज ना लायो, इह ना होवे तुसीं साधू बाणे नूं लाज ला के वापस साडे कोले आ जावो, ते साडे कोले आउणा होया तां पूरे भांडे बण के आयो। इह बचन मन्निआ, मन के बचन संत संतोख दास जी महाराज उत्थों चल पे हौली हौली चलदे चलदे खोखर दे जंगलां दे विच पहुंच गया। फिरे तुरे दो चार दिन इधर उधर फिर के देखिया, देखदिआं देखदिआं आखिर की कारण बनिया, एक संघनी झिड़ी लभ गई, उसने बिचारे करिया साफ थों, थों साफ करके उत्थे समाधि ला के जिवें जंगलां दे विच जोगी बन के बैठदा ते रब दे नाल जुड़दा, रब नाल करदा गल्लां, उस समे दीआं लाइनां मेरे साथी परमजीत सिंह पम्मा ते देव सिंह राही है यूं बयान कर दे। ओ हर दे बेच रमगी सी सतगुर ब्रह्म दास दी बाणी, पत्थर दिल पिघल गया बिलकुल हो गया पानी पानी। आसन चक तुर चलिया मुड़नी वेख्या मुख पमा के, बन जोगी जंगलां दा बह गया सुन समाध लगा के। ओहर दे बच रमगी सी सतगुर ब्रह्म दास दी बाणी, पत्थर दिल पिघल गया बिलकुल हो गया पानी पानी। आसन चक तुर चलिया मुड़नी वेख्या मुख पमा के, बन जोगी जंगलां दा बह गया सुन समाध लगा के। ओ बन खंड उजाड़ दिसे प्यान का जंगल चार चौफेरा, हथ मारिया ना दिसदा जिथे शिखर दुपहरे नेरा। ओखर दी चिड़ी विखे खोखर दी चिड़ी विखे बैगे तूना सजल सजाके, बन जोगी जंगलां दा बह गया सुन समाध लगा के। प्रभू नाल जोड़ लिया प्रभू नाल जोड़ लिया, हृदय बच अनुभव दिया तारा, उत्तम मार्ग है दस दो छे चार अठारा। मन मंदर प्रभू दा उस दे अंदर जोत जगा के, बन जोगी जंगलां दा बह गया सुन समाध लगा के।
ओ जद जोत च जोत मिली खुल गया प्रभु दा मैं खाना पी जाम शहादत दा भुल गया सोजी कुल जमाना हट माया जाल गया कल जुग परे खलो गया जाके बन जोगी जंगला दा बह गया सुन समाद लगा के ए चाड़न सूड़ी हिते जेड़े एहनल हक दे नारे दूरों फुल जा पर हे जल जा पैर तरों यंग आरे जो राज फकीरा दा जो राज फकीरा दा देख्या अनहद साज बजा के बन जोगी जंगला दा बह गया सुन समाद लगा के खोखर दी संगत नो खोखर दी संगत नो सुनिया संत जड़ी बेच आए कुटिया दी पाती सी देवतिया ने फल वरसाए रब राखा योना दा तुर दे तलिये सी सटका के बन जोगी जंगला दा बह गया सुन समाद लगा के खोखर दी तंगत नो सुनिया संत जड़ी बेच आए कुटिया दी पाती सी देवतिया ने फल वरसाए काका तेरा ही दी पम्या बह गए सी सचका के बन जोगी जंगला दा बह गया सुन समाद लगा के बन जोगी जंगला दा बह गया सुन समाद लगा के गुरसंग जी तुसी सोचते होवोगे ब्रह्मदास कौन सी ब्रह्मदास जो महापुरुष सन यह सन्यासी गद्दी अयोध्या तो चली सी जिन्हां दे पहले वड वडेरे गुरु माधव दास सन माधव दास दे चेले साईं दास होए है साईं दास दे चेले रामदास होए है रामदास दे चेले ब्रह्मदास जी होए है ब्रह्मदास दे चेले संतोख दास जी ये गद्दी अयोध्या तो चल के अज पंजाब दी धरती दे आ चुकी है इस वेले दी है गल जो खोखर दी झिड़ी दे विच संत संतोख दास जी महाराज जोर तपस्या कर रहे है घोर तपस्या करी जा रहे है कई दिन बीत गए तपस्या करदे नूं किसे ने अन्न पानी लिया के ना दिता ते ना खादा एक रब दे नाम दे नाल जुड़े हुए उन्हां दे नाम दे आसरे ते अपना जीवन निर्वाह करदे रहे आखिरकार हौली हौली लोकां नूं पता लग के उन्होंने एक कुटिया भी पा दिती ते भोजन पानी भी लियाना शुरू दिता हौली हौली तपस्या करदे आ बहुत सारा समा बतीत होया समा बतीत होण तो बाद महापुरशां नूं प्रकाश हो गया चानना हो गया भगवान दे दर्शन दीदारे हो गए है पर आखिर लोकां नूं खुश करदे आ ते जेड़ा कुछ मंगदा ओहदियां झोलियां भर दिंदे आ जदों ऐन तसल्ली हो गई वी झोली भरन दे योग हो गए तां उत्थों रात नूं छड के तुरे आ महापुरश ते आके चन्नूआणे नगर दे विच ठहर गए चन्नूआणे आके एक कुटिया पाली ते उत्थे रहना शुरू कर दिता रहिंदिया रहिंदिया कुछ समा बतीत हो गया इक छोटा जिहा लड़का जो महापुरशां दी हर वक्त सेवा करिया करदा सी ओह हर वक्त सेवा करिया करे जल पानी लिया के शिकाया करे ते ओहदा नाम गामा लिया करदे सन महापुरश उन्होंने कहा गामिया तू बड़ा खुश रहना साडे कोले रह के ते तां इल्तफिल्त नहीं करना किसे दा बुरा नहीं तकाउणा किसे दी चोरी नहीं करनी उस उपदेश दे पक्का हो गया पर साथियां नाल खेडण जरूर जाया करे एक दिन दी गल ऐसी होई साथियां समेत किसे अंबा वाले दे खेत चलिया गया गामा अंबा वाले दे खेत जा वड़िया ते बालकां ने अंब तोड़ ले अंब तोड़न वाला चोर हमेशा भज्जी जाया करदा है साधु वाड़ी जाया करदा है गामा फड़िया गया गामे नूं कुटिया ओ रोंदा रोंदा महापुरशां दे कोले आ गया संत संतोख दास जी ने पुछया गामिया की गल तू रो क्यों रही है कहिंदा महाराज उत्थे जवाकां ने अंब तोड़ ले ते उन्हां ने मैनू कुटिया कहण लगे नहीं तैं जरूर अंब तोड़िया होवेगा ते फिर
तेनू का तो कुटिया कह लगा महाराज मैं अंब नहीं तोड़िया मैं तुहाडे चरणा की कसम खा के कहने भी मैं अंब नू हाथ भी नहीं लाया जेडे तोड़न वाले सी ओ भज गए ते मैं फस गया इस करके उन्होंने मैनू फड़ के मेरा कसूर नहीं पूछिया ते मैनू फड़ के कुटिया ते ये गल हुई है ये बिच पूरा दोष मेरा नहीं गा ता संत उस वे रब दी लाए दे बिच झाके टेढ़े झाके कह लगे गामिया फिकर ना कर इत्थे ना अंबाले रहन ते ना अंब रहने है एदा जो बंदा खुद ही करदा है खुदा नू नहीं पौंदा उस समय दी लैना मेरे साथी परमजीत सिंह पम्मा सुखराज सिंह मल्लियाणा हे इउं बयान करदे है हो देख तड़फदा बालक गोदे उठाया संता ने देके तीरज रोणो मसा बराया संता ने ओ दिल दरिया दा वेग उछल के कंडियों पार गए खुदी खुदा दा बैर खुदी कर लखां हार गए हो रूप रब दा बालक ए तड़फाउणा चंगा नी ए तड़फाउणा चंगा नी जोत बरम दी बालक बरमद खाउणा चंगा नी ओ जिमें भगत प्रहलाद जिहानू आप उभार गए खुदी खुदा दा बैर खुदी कर लखां हार गए कहिंदे ए तां बात ममूली एडे एडे छड़गे ने कहरो कंसल केश जना दे जिंदे पड़ गए ने ओ तू तू कर दे जित गए ने मैं कर हार गए खुदी खुदा दा बैर खुदी कर लखां हार गए कहिंदे हस्ती डबल बहादुर बारी कर कर जमदाना कहिंदे कर कर जमदाना कंब करन दा बेग मौत कल्ली तो थमदाना ओ नाम निशान रहे ना तीर खुदा नू मार गए खुदी खुदा दा बैर खुदी कर लखां हार गए अज तार दिया सिदिया चरण सदा संतां दे चुम दिया परम अगन दिया पौना चार चोहेरे घुम दिया ओ संतां दे इनसाफ दुद्ध चो नीरन तार गए खुदी खुदा दा बैर खुदी कर लखां हार गए कहिंदे अंब रहण ना इत्थे रहणे अंबा बाले ना रहणे अंबा बाले ना अगे लखां गए जगत तो थौणे बाले ना ओ वही रब वसे रसना ते शक्त नसाना मार गए खुदी खुदा दा वैर खुदी कर लखां हार गए ओ कुदरत राणी कीते बोल पगाउंदी संतां दे चरणा बिच बराड़ा फुलवर सौंदी संतां दे ओ बोल कहे मल्याणा लंघ समुंदरों पार गए खुदी खुदा दा वैर खुदी कर लखां हार गए हां पुरशां ने मुखों बचन कर दिते कहिंदे गामिया अज तो ना अंब रहण ते ना अंबां वाले रहणगे ते उस वेले ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਅੰਬ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ ਵੇ ਦੇਖੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ 1965 ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੂ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਣ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਡੋਲ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗਾਮਾਂ ਕੋਲੇ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦੇਵੋ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਆ
उन्होंने आके देखिया महापुरशां दा तौर भी ठीक रब दी बंदगी वाले है आके हाथ जोड़ के पैरां ते हाथ धरे है सारिया ने बारी बारी नमस्कार करी है महापुरशां ने पुछया आओ भाई किवें आउणा हो गया कहिंदे महाराज तुहानूं पता नहीं गा मोहले धार बारिश पई जांदी है साडे घर डिगदे है ते तुसीं आराम दे नाल सानूं अजे पुछ ही रहे हो लो जिवें कालियां घटां चढ़ के आउंदियां ते मीं उस वेले दा सीन मेरे साथी यूं बयान कर रहे है जी घटा चढ़िया काल दा रूप होके बिजली कड़क दी शोर मचाया है बिजली कड़क दी शोर मचाया है साल 1965 दा कहर भरिया ऐसा प्रभु ने खेल रचाया है ऐसा प्रभु ने खेल रचाया है कटा चढ़िया काल दा रूप होके बिजली कड़क दी शोर मचाया है बिजली कड़क दी शोर मचाया है लगातार वरसे मोड़े तार वरस बच्चे बच्चे दा दिल दहलाया है बच्चे बच्चे दा दिल दहलाया है नीवे थां बनिया पिंड टिल मासी पानी आम दा दून सवाया है पानी आम दा दून सवाया है दिन अज दा जे ना हटी बारस हटी बारस जे ना हटी बारस सारे पिंड दा करू सफाया है सारे पिंड दा करू सफाया है औखी कड़ी जद लोकां नू नजरी आई याद बाबा जी कुल दे आया है याद बाबा जी कुल दे आया है ओ चरनी डिगे आ बहुत उदास होके सब ने रब दा वास्ता पाया है सब ने रब दा वास्ता पाया है साधु हुंदे ने रूप परमात्मा दा परमात्मा दा परमात्मा दा साधु हुंदे ने रूप परमात्मा दा सारे पिंड ने शीस झुकाया है सारे पिंड ने शीस झुकाया है पानी चले दरिया दा वेग होके साडा संत जी करू सफाया है साडा संत जी करू सफाया है कोमल हुंदे ने दिल महात्मा दे कोमल हुंदे ने दिल महात्मा दे रहम बाबे संतोख नू आया है रहम बाबे संतोख नू आया है मल्ले आणियां दसू बराड़ी अगे जेड़ा संता ने रंग देख लाया है जेड़ा संता ने रंग दिखाया है साथियों ने कविता पढ़ी जदों नगर दे लोकां नूं बारिश ने तंग करिया महापुरशां दे द्वारे नूं चल पिया क्योंकि महापुरश उच्चे थां बैठे सी ते जाके बेनती करी महापुरशो नगर रुड़दा जा रहा है बारिश तीन दिनां तों जोरां ते पै रही है इस करके साडा बचा करो किवें ना किवें साडी रक्षा करो तुसीं भगवान दे प्यारे हुंदे हो भगवान तुहाडी रजा दे विच रहिंदा गा इस करके साडी रक्षा करन दा तुहाडा फर्ज बणदा सेवादारां दा सेवा करन दा फर्ज बणदा है ते तुहाडा सेवादारां दी रक्षा करन दा फर्ज बणदा है जदों इह गल कही तां महापुरश कहण लगे भाई कोई खास औखी गल नहीं ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੰਦ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਕੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
घ्यो लिया रासन लिया होर सारे लोग कट्ठे होके गुरु महाराज की ताबिया च आ गए। इन्ने नू महापुरश उठे आ हौली हौली गुरद्वारा साहब पहुंचे है। गुरद्वारा साहब विच सारे नगर नू खड़ा देख के बड़े खुश होए आ ते आके सारयां नू फतेह बुलाई है। फतेह बुला के महापुरशां ने कहा भाई गुरमुख प्यारियो देग तैयार हो गई है ते देग तैयार करी गई है। देग तैयार करके सारे गुरु महाराज की ताबिया के बिच आ गए। ताबिया च आके सारे लोग कहा महापुरशां ने भाई गल च पाओ पले ते हथ जोड़ो गुरु महाराज के अगे ज्ञानी सिंह साहबान ये करनगे अरदास ते आपां फतेह दे छन्नी जकारे फतेह दे जकारियां की गूंज भगवान के कन्नां च पवेगी। भगवान नूं पता लग जाएगा भाई बारिश के नाल अत बिखियारे लोग अर्जा बेनतियां कर रहे है ते बारिश बंद कर देगा। लो जदों इन्नी गल करी ता ज्ञानी सिंह ने अरदास करनी शुरू कर दी। संगतां ने जकारे छन्ने शुरू कर दिते ते महापुरश जिवें संगतां नूं कह रहे है हुण गम ना करो भगवान दे द्वारे अपनी बेनती प्रवान हो गई है ये अद्धे घंटे दे विच बंद हो जाएगी। ते योग जो शब्द संगतां नूं महापुरश कह रहे है उन्हां लइयां नूं मेरे साथी परमजीत सिंह पम्मा गुरतेज सिंह राही मलकीत सिंह गरेवाल दे जत्थे तों इन्हें सरबन करो जी। हो बाबे संगतां नू कहंदे घबराओ ना रखो तीर जत दिल दहलाओ ना लियाओ रासन ते ज्यादा देर लाओ ना। कहण लगे ए प्यारे ओ मामूली बात है अद्धे घंटे चाओ अद्धे घंटे बिच बंद हो जू बरसात है अद्धे घंटे चाओ। आप दी ते जिस वेले आउंदे ने तन मस्या दी रात नू चढ़ाउंदे ने कीती रब दी नू साधु लटाउंदे ने ए तां बारिश मामूली केड़ी गल खास है रब मोड़दा रब मोड़दा नी फकरां दी अरदास है रब मोड़दा। जिनू देता किते संता ने सराफ है ओनू रब भी करे ना कदे माफ है। जिनू देता किते संता ने सराफ है ओनू रब भी करे ना कदे माफ है। कर देन पहला बच्च पट्टी साफ है दयाल होण जे किसे ते टूटी होई जोड़ के गंगा उलटी गंगा उलटी पहाड़ा नू चढ़ाउण मोड़ के गंगा उलटी। बड़ा वारस च फेरे मारो मारसी दिल टुटे हुए दुनिया लाचार सी दिल टुटे हुए दुनिया लाचार सी देख पलां बिच करती तैयार सी गुरु ग्रंथ जी साहिब कीते प्रकाश है रब मोड़दा रब मोड़दा नी फकरां दी अरदास है रब मोड़दा। ओ कहंदे गुरु जी नू जोत है सकार तों एकी लगियां करन बे बहार तों अखां खोल जरा नजरां ता मार तों तेरे बच्चियां दे जरा देख हाल दातिया इन्ना पागलां दे टोले नू संभाल दातिया इन्ना पागलां। सिद्धे सचखंड टेलीफोन खड़ के सिद्धे सचखंड टेलीफोन खड़ के बर्म अग्निया बदला च पड़ के पास करते बदल फड़ फड़ के महापरल न करे जेड़ी सत्यानाश है रब मोड़दा रब मोड़दा नी फकरां दी अरदास है रब मोड़दा। ओ सारे बदल उडारियां ने मार गए आए जिद्दरों से उतरे सधार गए ओ ता संतां दे प्रेम फुल चाड़ गए खुश हो गया बराड़ा धरती आकाश है रब मोड़दा ना फकरां दी अरदास है रब मोड़दा। संगतां दा ने देग तैयार करके जो देग बरताई गई ते बारिश भी बंद हो गई पर जेड़े मनमुख लोग सन ओ महापुरशां वल तक के देख रहे है भी बारिश का ऑटोमैटिक बंद होगी। महापुरशां का ये रोल की हुंदा है कहन लगे बाबा जी
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਦੇਖ ਕਰਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਦੇਖ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਖਮੋਸ਼ ਖੜੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗੇ ਦੇਗ ਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਦੇਗ ਤੇ ਪੰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਖੇਚਲ ਫੇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੇਚਲ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਚਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਵੀ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਜੇ ਦੇਗ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਫਿਰ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਈ ਪੰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਘਿਓ ਖੰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਗੱਜ ਪਾ ਲਿਆ ਪੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬੰਨੀ, ਬਈ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਗਰ ਚ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਇਆ ਪੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਗ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੇਗ ਜੋ ਗੱਫਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਉ ਬਹੁਤੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੂਰਖ ਪਰਸਨ ਕਰ ਦੇਹ ਬਾਬੇ ਨੋ, ਆਪੇ ਹਟ ਗਈ ਹੋ ਪਾਰਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਗ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਹੋ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀ, ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀ। ਧੋਖਾ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾ ਟਕਰਾਇਆ, ਤੁਲਾ ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਪੀੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਖੜੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ। ਹੋ ਬਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਦੇਗ ਤੇ, ਗੱਫਾ ਦੇਗ ਦਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੋ ਕਰਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ,
करदी संगत सारी बाबा जी नु बेनतिया बख्शो बख्शन हारे सुत्ता शेर जगाया अंजल मुक गया अज तो साडा थोड़ी नगरी चो जाना पऊ असानू हुक्म इलाही आया ओ सूरज दिने नजर नहीं आउंदा कहंदे उलवानो रौड़ा पाउंदे कहंदे सूरज नी चढ़ आया हाहाकार हो गई सारे पिंड विच टिलमा दे अगे बनू बराड़ा जो सतगुर नू पाया अगे बनू बराड़ा जो सतगुर नू पाया अगे बनू बराड़ा जो सतगुर नू पाया जिस वेले देखते पंजा लग गया जेडे मनमुख लोग सन ओ भी संतां दी चरणी डिग पए आ ते तन तन हो गई संतां दी ते संत गुस्से दे विच कहण लगे गुरमुख प्यारियो तुहाडे नगर दा नून खाधा गुस्सा बड़ा आया सी पर गुस्सा अपने गुस्से नूं आप रोकना पिया इस करके असीं तुहाडे नगर दे विच हुण बहुता समां नहीं रहणागा क्योंकि साडा अंजल मुक गया भगवान दा हुक्म हो गया जिथे कोई साधु दा इम्तिहान लैंदा उहनां लोकां दे विच रहणा साधु नूं सुभाए मान नहीं हुंदा इस करके हुण असीं चले जाणा उत्थों महापुरश गोनिया ने होके ते होर पिंडां दे विच दी हुंदे होए ते पहुंचे आके नगर न्यामिया ने पहुंच गए न्यामिया ने लेके गोनियाणा मंडी हुंदे होए फिर ढिलमां दी संगत ने बेनती करी महाराज जरूर साडे नगर दे विच चलो साथों गलती हो गई असीं खिमा चाहुंदे आ सोतों संतां तों खिमा मंगदे आ फिर संत दयालू कृपालू होया करदे आ संगतां नूं अपने हिरदे दे नाल ला लैंदे आ संत उठे आ नाल ढिलमां नगर नूं तुर पए आ तोता सिंह महापुरशां दी बड़ी बड़ियाई करिया करदा सी जिथे भी जांदा महापुरशां दे इस कारनामे नूं हर जगह जाके उचारण करदा वी साडे पिंड संत संतोख दास जी हन उन्होंने देख कराई अरदास करी ते नाए दा पंजा लग्या देख नूं ते नाए बारिश हट गई ये गल सारे उसने मशहूर कर दिती ते इन्ने नूं उत्थे नगर दे विच इक माई रहिंदी सी जिहदी निगाह घट चुकी सी हौली हौली निगाह घटदी डाक्टरां दे लैके तुरे फिरदे रहे आखिरकार कितों ना राम आया ते सारे डाक्टरां ने जवाब दे दिता कहिंदे माता दी मगरों लाइट खत्म हो गई है इहदी निगाह बण नहीं सकदी इहनूं घरे लै जावो ते अचण जे घरे लैके आ गए किते फिरदा फिराउंदा तोता सिंह आ गया उहने आके बेनती करी कहन लग्या गुरमुख प्यारियो दिल नहीं छड्डीदा हुंदा रब नहीं हुंदे डाक्टर जे किसे दी समझ आ गया तां रोग ठीक हो गया नहीं तां रोग ठीक नहीं हुंदागा पर तुसीं इक गल मन्नो अपने पिंड दा रब बैठा है उहदे दर ते लै जावो महापुरशां दे द्वारे लै जाओ ते महापुरश इहनूं राजी कर देणगे मेरे मन नूं यकीन है जिवें बारिश हट गई सी उसे तरह माई दी निगाह बन जावेगी विश्वास रखना पर एक गल जरूर है जे विश्वास नहीं रख ते फिर जान दी भी लोड़ नहीं जेड़ा बंदा दुखिया हुंदा ओदा विश्वास बढ़िया हुंदा ता उन्हां ने मन के तोता सिंह दी गल माई नूं फड़िया बाहां तो लैके महापुरशां दे डेरे नूं चल पे आ ते महापुरशां दे मूहरे लिजा के बिठा दित्ती कहिंदे आओ भाई किवें आउणा हो गया कहिंदे महाराज इन्हां दी निगाह चली गई कहिंदे भाई फिर डाक्टरां नूं दिखाउणा सी कहिंदे जी बहुत थाई घुम्मे आए हैं किहड़े किहड़े शहर गणाईए जिथे वड्डे तों वड्डे डाक्टर कोल असीं नहीं गए उन्हां ने सारिआं ने इह जवाब दे दित्ता वी इहदी लाइट खत्म हो गई है तां महापुरश मेहर दे घर दे विच आए है बैठे आ सामने होके चिमटा चक्केगा चक के चिमटा तीन बेरी धरती दे लाया तीन बेरी माता दे मत्थे नूं लायागा ला के एक माता नूं कह रहे मां तू तां बहाने लाउनी आ कम दी मारी बई नूहां दे मूहरे कम ना करना पवे ते जिवें महापुरश माई नूं कहिंदे तू सानू चक्करां च ना पा निगाह तेरी ठीक है उहनां लाइनां दा वर्णन मेरे साथी कविता राहीं हे इउं कह रहे है जी।
हो मूरे माता जी नो बाबे ने बठा लिया सज्जे हाथ नाले चे मटायो ठा लिया तीन चार बारी मथे नाले ला लिया असी जान जान माता सानू समझौनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लौनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लौनिया जइया माई चक्करा च पाउंदियां नूहा नाल काम करना ना चाहुंदियां रहन वेलियां ते हुकम चलाउंदियां तू भी उन्ना वांगू माई चक्करां च पाउनियां अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनियां अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनियां किन्ना चिर तू बहाने दस लावेगी माई सदा नी ए जादू जा चलावेगी किन्ना चिर तू बहाने दस लावेगी माई सदा नी ए जादू जा चलावेगी जदो संता ने मनाई मन जामेगी हुण देनी ना चलन जो चलाउना चाहनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लाउनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लाउनिया ओ संत प्रभु दा गेट खड़काया ए तन तन इन संता दी माया ए अज अंजन तपस्या दा पाया ए नाली हसी जान ऐसे अखां मटकाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया दोवें चशमां च राग दीवे खुल गए दुख जन्म जन्म दे सी भुल गए ए तां कौडियां दे थड़े नाल तुल गए सच दस माता हुण का तो शरमाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया माता कोट कोट शुकर मनावंदी आंसू नैणा चो वैराग दे बहावंदी तन तन दी आवाज मूहो आवंदी धन्यवाद तेरा बाबा शुकर मनाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया अखां ठीक माई कास तों बहाने लाउनिया माता कोट कोट शुकर मनामदी आंसू नेत्रों बैराग बाले बहामदी माता कोट कोट शुकर मनामदी आंसू नेत्रों बैराग दे बहामदी तन तन दी आवाज मोह आवदी धन्यवाद तेरा बाबा शुकर मनाउनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लाउनिया अखा ठीक माई कास तो बहाने लाउनिया जदों माई दियां अखां बन गईयां ए गल दूर दूर तक फैल गई है ते महापुरश उत्थों रमन्ना हो गए हौली हौली मंजिलां नूं तय करदे नगरां नूं तारदे होए नगर सज्जावाल दे विच पहुंच गया सज्जावाल आके कुटिया बना ली ते महापुरशां दा सत्कार होया नगर ने कुटिया बना के एक वधिया जगह दे दित्ती ते उत्थे रहना शुरू कर दिता आखिरकार इक माई गोनियाणे दी बड़ी दुखी सी जिन्हों अधरंग दा रोग होया गया सी उह दर दर भटकदी फिरदी सी ते उहनूं कितों भी राम ना आवे चीका मारे करे रोया पिटिया करे टब्बर दुखी हो गया सामदा ताई एक दिन भाई तोता सिंह दी रिश्तेदारी जो सी वो चलिया गया कहन लगा भी की गल माई नू की हो गया कहंदे इहनू अधरंग दा रोग हो गया बहुत औखी आराम नहीं आउंदा कहंदे भले ओ लोको डाक्टरां दे चक्की फिरदे हो माया बहुती आ खराब क्यों करदे हो ए माया नू आयो पुन दान ते माई नू तुसी लै जाओ पिंड सज्जावाल उत्थे आ संत संतोख दास जी रहिंदे जिहड़े बड़े महान है साडे नगरां दे विच रह के इन्ने लोक तारे आ दुध वाले नू दुध पुत वाले नू पुत माया वाले नू माया ऐसी युक्ति दसदे आधार कर दिंदे जी हरेक इंसान दा जदों ये गल सुनी हुण दुखियां दा दिल उधर नू जाना शुरू हो गया अगला सवेर हुई है उन्होंने माई बिठाई है माई बिठा के गड्डी दे विच जगराओं जी दी हो के ढोला नगर दे विच दी हुंदे होए तां उह सज्जावाल नू चलिया माई नू चक के कदे कोई जगदा कदे कोई जगदा आखिरकार सज्जावाल पहुंच गए ते उत्थे जाके लोकां नू पुछिया है भई इत्थे एक संत संतोख दास जी रहिंदे आ तां लोकां ने दस्सिया भाई परले पासे बैठे आ आए जरूर सी रमता साधु है
है, आया नू लोकां ने बड़ा सत्कार करिया, जगह बना दित्ती है, रब रब करदे आ, बड़े प्यार नाल बोलदे आ हरेक इंसान नू। तां उन्हां ने कहा भई सानू उस रस्ते पा दिओ, रस्ते पा दित्ता। हौली हौली माई नू लै के बाबा संतोख दास जी दे डेरे चले गए आ। अगे महापुरश जाप करके हटे आ ते अपने आराम दे विच बैठे आ। माई नू अगे बिठा दित्ता ते उन्हां ने कहा महाराज सानू तोता सिंह ने दस पाई, असीं तुहाडे चरणां दे विच ये माई बहुत चिर तों रंग दे नाल तंग हो रही है ते सानू तोता सिंह दे दस पाउण ते असीं इन्हां नू तुहाडे कोले लैके आए हैं। तुसीं अगे वी असीं सुणिआ वी इक माई नू अखां बख्श दित्तीआं, किसे दुखी दा दुख सहार नहीं सकदे, इस करके साडी बेनती है तुहाडे चरणां दे विच नाले तां माई कायम हो जावेगी, नाले तुहाडा जस करिआ करांगे ते नाले जो पुन दान करोंगे कहोंगे असीं उह तुहाडे डेरे आके कर देवांगे। महापुरश खुश हो गया ते मन दे विच रहम आ गया माई वल तक के जदों माई दी चीक निकलदी आ महापुरशां नूं तरस आ गया। तरस आउण ते महापुरशां ने कोले बैठ गया, सामने बिठा के इक नेत्र कर लिया बंद, बंद नेत्र करके इक परमात्मा दे अगे बेनती नाले दा करदे आ ते नाले परमात्मा नूं तांगा मारदे आ, ऐ मालक मैनूं जन्म इसे करके दित्ता कि दुखियां दे दुख देखदा रहे ते दुखियां दीआं पकारां सुणदा रहे ते मैं इन्हां दीआं पकारां सुण नहीं सकदा। जिवें महापुरश भगवान नूं इक ताना मार दिंदे आ उन्हां दे इन्हां दा वर्णन मेरे साथी कप्ता राही हे इउं कह रहे आ जी। हो माई दा पलंग उठाके कुटिया बिच ल्याए सी, संतां दे चरण पकड़ के बासते पाए सी, पर बोनो संत आख दे पर बोनो संत आख दे सानू यजमामी क्यों कीती सौ वार बेनती, दुखिए देखामी क्यों कीती सौ वार बेनती, दुखिए नू अखी तकना साधु ना चाहते ने करनी दे पूरे जेड़े रब भी दखलाउंदे ने, दा दुखिए दे दुख ना दाता सानू तड़फावे क्यों कीती सौ बार बेनती, दुखिए दखावे क्यों कीती सौ बार बेनती। हो माई दे मंजे तो दी कड रहे गेड़े जी, अंदरों ही अंदर करते परबू दे नेड़े जी, मंजल मखसूद दे राह सानू पटकामे क्यों कीती सौ बार बेनती, दुखिए देखामे क्यों कीती सौ बार बेनती। सुरती बच कट लगना फकर ना चाहते नी, सिमरन ते स्वास स्वास दा बिरथे गवाउंदे नी, दुखिए लिया मूरे तरदा दुखिए लिया मूरे तरदा सानू अल जावे क्यों कीती सौ बार बेनती, दुखिए दखावे क्यों कीती सौ बार बेनती। ओ पंजमा जद गेड़ा आया माता दी हस्ती आ, पंजमा जद गेड़ा आया माता जी हस्ती है, मार गया दर्द उडारी संतानों दस दी है, मोती बे अर्थ संत जी मोती बे अर्थ संत जी, पादू बरसामे क्यों कीती सौ बार बेनती, दुखिए देखामे क्यों कीती सौ बार बेनती। लोहे नू सोना करना पारस दा कर्म है, पापी नू सुरग बचाउणा संतां दा धर्म है, प्रभु नू संत आख दे प्रभु नू संत आख दे, देर लगावे क्यों कीती सौ बार बेनती, दुखिए दखावे क्यों कीती सौ बार बेनती। हो माई एक पल बच बदली
सख्त बेमार जिया पैदल जगराओं पहुंची आई ले चार जिया पम्मिया सुखराज नाम बिना पम्मिया सुखराज नाम बिना जन्म गवा में क्यों की सौ बार बेनती दुखिए रखा में क्यों की सौ बार बेनती। जिस वेले माई दे मंजे दे दाले गेड़े दिते महापुरश नाई रब नूं मेड़े मार रहे आ ऐ भगवान जे इंसान नूं पैदा करदा ते इह जे दुखियां दे मूहरे लिया लिया ना बहा मेरा इम्तिहान ना लै मैं इस गल तों लाचार हो गया वी मेरा जन्म ही दुखी लोकां दा भला करन दी खातर मैं तैनूं पाया झोलियां भरियां लोकां दियां पर हुण तूं मैनूं दुखिए लिया के दिखाउण लग गईगा इहो जे मेरे मारदे होए संत उदास हो गए उदास हो के सज्जा बाज नूं छड्डिया अगे नूं रवाना हो गए सवद्दी दे विच दी हुंदे होए भूंदड़ी चले गए है बहुत दिन भूंदड़ी रहे पर आखिर मन बना लिया भई मना हुण ये संसार ते बाले दुखी ना देखो अगे नूं तैयारी कर ते जेड़े पिंड जांदे आ ना अपना नाम दसदे आ ना अपना नगर दसदे आ हौली हौली तुरे फिरदे आ समा नेड़े आउण ते ये संत महाराज एक सिद्धवा कलां दे कोले सिद्धवा खुरद बरसाल बिरक ते इन्हां पिंडां दे विचाले एक जगह बनी गई जिहड़ी बिरकां वाली खूही वजदी है एक रात यह सबद्दी कट के मुड़के वह बिरकां वाली खूही ते पहुंच गया खूही ते बिरकां वाली ते एक जां दो दिन कटे है देखिया नेत्र मिला के भगवान दे नाल सुरती जोड़ के बई समा नेड़े है ते संगतां नूं कोई पता नहीं कोई कोई टामा टामा राही पांधी खेतां नूं जाण वाला आउंदा है वह भोजन फड़ा जांदा है कुछ दिन उत्ते विराजमान होया विराजमान हो के आखिरकार वह समा आ गया जिहड़े समे तों दुनिया डरदी है ते महापुरश समय ते खुश हुंदी है क्योंकि उन्हां दी जोत भगवान दी जोत हुंदी है भगवान दे नाल जा रही है वह चाहते हुंदे है भी असी कदों आपदे प्यारे दे दर्शन करिए जाके ते आखिरकार वह समा आ गया 14 जून का 14 जून 1985 का समा आ गया ते संतां ने 10वें द्वार सुआह चढ़ा के अपना शरीर त्याग दिता ते शरीर त्यागिया जदों कुछ लोगों नूं पता लग्या उन्हां ने पिंडां नूं ढंडोरा फड़ा दिता भी एक रमता साधु इत्थे आया सी ते उन्हें शरीर त्यागता लोग नगरां दे लोग इकट्ठे होण लग गए समा चंगा सीगा लोग संतां दा सत्कार करदे सी नगरां दे लोग इकट्ठे हो गए है इकट्ठे हो के सारा प्रबंध करेगा उन्हां दे शिष्कार करन दा आखर नगरां दीआं पंचायतां ने मशवरा करिया भी पहला इन्हां दा शिष्कार करिया जावे फिर इस जगह ते जग करिया जावे क्योंकि महापुरश अचनचेत आके अपने नगरां शरीर छड़ दिता जिथे चरण पै जांदे आ स्वर्ग बन जांदा हैगा वह बैकुंठ नगर जहां संत बसा इन्हां ने शरीर छड्डिया इन्हां दी बरसी मनाई जावे धूम धाम दे नाल हुण संगतां ने इशनान कराया इशनान करा के महापुरशां दे नवे वस्त्र पहनाए है नवे वस्त्र पहनाउण तों बाद उन्हां नूं इक जगह मंजे ते पा के संगतां दावे बैठियां माइयां बहुत आउंदियां ने आके दर्शन कराउंदे कल्ले कल्ले नूं जदों कल्ला कल्ला दर्शन कर हटदे आ फिर संगतां महापुरशां दे दर्शन करके विराग दे विच आ जांदियां विराग दे विच बैठियां ते इक शब्द गाउंदियां ने मई ऐ तूं बाग दा माली सी इत्थे बाग लग जाणा सी तेरे नौं दा पर हुण तेरे नौं दा पक्का बाग लग जाणेगा जिवें संगतां विराग दे विच आ के बरलाप कर रही ने उस वेले दियां लाइना मेरे साथी सुखराज सिंह मल्लियाणा परमजीत सिंह पम्मा ते मलकीत सिंह गरेवाल दे जत्थे तो हे इहो सरवण करो जी होनी चंदरी विछोड़े पाउंदी होनी चंदरी विछोड़े पाउंदी रत पीणी संसार दी बाजी बीत गई बीतगी कद न हथ आउंदी चोट बब दे प्यार दी बाजी बीत गई बंदा बन दा कूड़ दे दावे बंदा बन दा कूड़ दे दावे चल दे सो आस रुक गए माली बाग दा नजर ना आवे कलियां ते फल सुक गए माली बाग दा बूटे अमर फला दे लागे बूटे अमर फला दे लागे
वासी हो सच खंड दे कद छड़ गए प्यार गुड़ा पाके पहुंचे बच बह मंड दे कद छड़ गए साड़ी पेश नान मानिया दी जावे साड़ी पेश नान मानिया दी जावे केड़ी गुफा बच लुक गए माली बाग दा नजर ना आवे कलिया ते फुल सुक गए माली बाग दा नित कर दी चकोर उड़ीका जग मग नित कर के होन जोगिया जोगिया दे कोल अतफीका मिलदा प्यारा मर के होन जोगिया ओ बन्नी रब दीनू कौन छुड़ावे बन्नी रब दीनू कौन छुड़ावे थोड़े ता सुहास मुक गए माली बाग दा नजर ना आवे कलियां ते फुल सुक गए माली बाग दा मीना जेठ दा 1985 मीना जेठ दा 1985 दिन सीगा एतवार दा सच खंड चो बबान लैण आ गए सेवक हरी दे द्वार दा सच खंड चो खड़ा नारद सतार बजावे खड़ा नारद सतार बजावे कुसी दे मंगल उक गए माली बाग दा नजर ना आवे कलियां ते फुल सुक गए माली बाग दा अज बाग है फला ते आया अज बाग है फला ते आया झुकियां च फिर टाणियां सेवा करके करके गुरु तो फल पाया चुक दिया चार खानिया सेवा करके थोड़े वाजो केड़ा दर्द बुड़ावे थोड़े वाजो केड़ा थोड़े बाजो केड़ा दर्द बंडावे वणी दे पखेरू चुक गए माली बाग दा नजर ना आवे कलियां ते फुल सुक गए माली बाग दा वाजा मार के बलौंदे ने प्यारे करदे ओडिका तेरिया जोर सिंगा जी जोर सिंगा देखे अज नजारे कदों आके पाओ फेरियां जोर सिंगा जी पम्मा काका राही गरे वाल गावे पम्मा काका राही गरे वाल गावे गमां दे पहाड़ टुट गए माली बाग दा नजर ना आवे कलियां ते फुल सुक गए माली बाग दा गुरसंग जी बाबा जी दे जीवन दी आखरी कविता सुनी ते उन्हां दा उस जगह दे उत्ते शिशकार करके जिथे हर साल बरसी मनाई जांदी है पूर्णमाशी दा पवित्र दिहाड़ा मनाया जांदा दूरों दूरों संगत जिन्नी भी सिख संगत सी सारयां नूं ज्यों ज्यों पता लगदा जांदा ते उन्दे महापुरशां दे उस स्थान ते जिथे उन्हां ने ज्योति जोत समाए है उस स्थान ते जाके हाजरियां लवाउंदे है। ये मेरे साथी सुखराज सिंह मल्लियाणा ने सारा इतिहास बड़ी मेहनत दे नाल जगह जगह ते जिथे जिथे महापुरश रहे सन उतों इकत्र करके एदी कविता बराड़ साहब तो मेरे ख्याल च बराड़ साहब ने आखरी बंद लिखे होणगे क्योंकि थोड़े दिन होए आ ये संसार तो अलविदा हो गया। ये आखरी बंद लिख के जेड़ी सानू दे गया ये असी साजन आडियो वीडियो कंपनी लोपो साहब वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने कैमरे के बंद करके जगह जगह से पहुँचाने का हीला करिया असी जिन्ना
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਿਆਗਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਖੁਰਦ, ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਲੋਪੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀ ਵੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ, ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।